नगर के करीब तेज रफ्तार मजदा ट्रक उलट गया। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी, जिना अस्पताल मुंतकिल। मजदा ट्रक दूध लेकर जा रहा था कि तेज रफ्तारी के बायस उलट गया। मकामी अफराद और रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। वजीर आला पंजाब का हादसे में कीमती जानों के जिया पर गहरे दुख का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हदायत। शहर में मौसम सरमा की पहली बारिश, स्मॉग में कदरे कमी, सर्दी बढ़ने लगी। जोड़े पुल, धर्मपुरा, मुगलपुरा, गाजियाबाद, कैंट, केनाल रोड पर हल्की बारिश। महकमा मौसमियात की शहर में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश की पेशगोई। कवाल मंडी के इलाके लाहौर होटल के करीब फायरिंग मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन जवाद बट के घर और दफ्तर के सामने हुई। फायरिंग से दीवारों में सुराख और खिड़कियों के शीशे टूट गए। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। महंगाई में फिसे आवाम के लिए नान रोटी भी महंगी करने की तैयारी। नान एसोसिएशन ने कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। नान 12 रुपए और रोटी की कीमत 10 रुपए करने का प्लान। गैस और आटे की कीमतों में इजाफे के बायस कीमतें बढ़ाने पर मजबूर हैं। इंतजामिया ने 14 नवंबर तक आटे और गैस की कीमत कम ना की तो रेट बढ़ा देंगे। सदर मुतहदा नान एसोसिएशन ने डेडलाइन दे दी। डीजी नैब लाहौर का मीडिया को इंटरव्यूज देने का मामला, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मीडिया को इंटरव्यूज पर पाबंदी लगा दी। डायरेक्टर जनरल्स और दीगर अफसरान के मीडिया को इंटरव्यू पर भी पाबंदी। आइंदा सिर्फ नैब तर्जुमान ही किसी रेफरेंस या मुकदमे की मीडिया को मालूमात देगा। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम के इंटरव्यूज का रिकॉर्ड तलब। पंजाब में कयादत का कोई बोहरान नहीं, वजीर आजम ही लीडर और कप्तान है। किस खिलाड़ी को कहां खिलाना कप्तान बेहतर जानता है। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मेट्रो ट्रेन चलेगी। मंसूबे के लिए 300 अरब किसी के घर से नहीं आए। शहबाज हुकूमत ने परवेज इलाही के मंसूबे रोके, हम ऐसा नहीं करेंगे। पंजाब को क्लीन एंड ग्रीन बनाकर दम लेंगे। एफबीआर ने डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी से 25 एविएशन कंपनीज के असासाजात और आमदन का रिकॉर्ड मांग लिया। एविएशन कंपनीज के कवायफ आज फराहम करने की डेडलाइन, तैयारों की तादाद, टिकट्स की फरोख्त का रिकॉर्ड और आमदन की तफसीलात तलब। और एएसएफ की अलामा इकबाल एयरपोर्ट पर कार्रवाई, अदाकार असद मलिक असलहा रखने पर गिरफ्तार। एएसएफ के मुताबिक अदाकार को जायदुल मियाद असलहा लाइसेंस होने पर पुलिस के हवाले किया गया।